तो दोस्तों, सफलता की राहों में आगे बढ़ने के लिए एक चीज़ याद रखो कि अपने आसपास उन लोगों को रखा करो जो कि आप लोगों को पॉजिटिव कर सकें, जो आप लोगों को धक्का मार कर सक्सेस की राह में आगे पहुंचा सकें और आपको रोज़ बोलें कि आप लोगों को अपना लेवल एक अप करना है और अपने गोल की तरफ आगे बढ़ना है। हेलो एवरीवन, स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त, आपका एजुकेटर अमन शर्मा, और वापस आ गया हूं द हिंदू की खबरों के साथ। आज डेट है अप्रैल 9, 2019 और डे है ट्यूसडे। न्यूज़पेपर स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, मैं अकेडमी के प्लेटफॉर्म पे एक वेरीफाइड एज वेल एज प्लस एजुकेटर हूं। तो अगर आप लोगों के मोबाइल फ़ोन्स में अकेडमी की लर्निंग ऐप है तो जाएं, मेरा नेम सर्च करें और मुझे फॉलो भी कर सकते हो। कल मैंने आप लोगों से एक सवाल पूछा था, जो कल का सवाल था वो कोरल ब्लीचिंग से रिलेट करते हुए था। विद रिस्पेक्ट टू कोरल ब्लीचिंग इन ओशंस, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू? उम्मीद है आप लोगों ने इसका जवाब दिया होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए, 1 एंड 2 ओनली। जो तीसरी स्टेटमेंट थी वो गलत स्टेटमेंट थी। आज के लिए आपका जो सवाल है वो लिंक करा है लानीना से। लानीना एलनीनो का बिल्कुल उल्टा होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू द लानीना आर ट्रू? नंबर वन, लानीना एक नेचुरल इवेंट है जिसके अंदर हम लोग एबनॉर्मल हॉट ओशन टेम्परेचर देखते हैं इक्वेटोरियल पैसिफिक के अंदर। दूसरी स्टेटमेंट है, अ नंबर ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, ड्रॉट, वेटर कंडीशंस आर कोरिलेटेड विद लानीना इवेंट्स। तीसरी स्टेटमेंट है, जस्ट लाइक एन एल नीनो इवेंट, लानीना इज टाइड टू इंक्रीज्ड चांसेस ऑफ एक्सटेंसिव चेंज इन ग्लोबल वेदर। आपको बताना है कि करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। ऑप्शन है ए, 1 एंड 2 ओनली, B 2 एंड 3 ओनली, C 1 एंड 3 ओनली, या D ऑल ऑफ द अबव। अपने अपने आंसर्स आप लोग कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर देना। स्टार्ट करते हैं आज के द हिंदू की खबरों के साथ। पेज नंबर 1 पे आपको खबर मिलती है राफेल डील से रिलेटेड एक और खुलासा, मोदी गवर्नमेंट गेव अनप्रेसिडेंटेड वेवियर्स इन ऑफसेट एग्रीमेंट। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, जिसको हेड करते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, ने इसे हेड किया था 2016 के अंदर, जिसने कुछ एक्सेप्शनल और अनप्रेसिडेंटेड वेवियर्स दिए डसॉल्ट एविएशन को और MBDA को। September 23, 2016 के अंदर इंडियन गवर्नमेंट ने यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था एज पार्ट ऑफ 7.87 बिलियन यूरो राफेल डील। ये जो वेवियर्स थे ये ग्रांट किए गए थे August 24, 2016 को हाईएस्ट लेवल ऑफ पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग द्वारा, और DPP डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर 2013 के अंदर जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी उनसे यहाँ पर एक्सेप्शन प्रोवाइड किए गए यहाँ पर फ्रेंच कंपनीज को। जो वेवियर्स प्रोवाइड किए गए वो दो इंपॉर्टेंट इशू पे थे। पहला इशू था द प्रोविजन टू बी मेड इन द ऑफसेट कॉन्टैक्ट्स फॉर आर्बिट्रेशन, और दूसरा जो यहाँ पे वेवियर था वो था टू असेस द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द इंडस्ट्रियल सप्लायर्स। जब यहाँ पर ये सब चीज़ें प्रोवाइड की गई थी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी द्वारा, उसके बाद यहाँ पे खबर आई कि डिफेंस मिनिस्टर मनोहर पारेकर जी इस पर्टिकुलर चीज़ से बहुत ही अनकंफर्टेबल थे और उन्होंने यहाँ पर बोला था कि इस पर्टिकुलर चीज़ को रिव्यू करना चाहिए और फिर वापस से हम लोगों को अप्रूवल के अंदर लेकर आना चाहिए। नाउ DAC ड्रॉप्स द DPP 2013 प्रोविजंस ऑन पेनल्टीज फॉर द यूज ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंसेस एंड एजेंट एजेंसी कमीशंस फ्रॉम ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट्स। देखो, जो DAC थी हमारी, जो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल थी, उसने DPP 2013 के अंदर जो प्रोविजन थे कि यहाँ पर कोई भी अनड्यू इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल नहीं होगा, किसी भी एजेंट या एजेंसी के कमीशन का इस्तेमाल नहीं होगा ऑफसेट क्लॉजेस के अंदर, उनको भी ड्रॉप डाउन कर दिया। यह भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसको द हिंदू ने यहां पे खुलासे में सामने रखा है। बात की गई कि ऑफसेट ऑब्लिगेशंस ऑफ अराउंड 30,000 करोड़ आर हेवीली बैकलोडेड टू बी डिस्चार्ज ओवर द 7 ईयर्स विद 0 डिस्चार्ज इन द फर्स्ट 3 एंड 57% इन 7th ईयर। जो INT थी, जो नेगोशिएटिंग टीम थी, उसके एफर्ट्स से ऑन दी ऑफसेट इशू वीकेंड बाय पैरेलल NSA टॉक्स। और यहाँ पर एक और मुद्दा वापस से खुला है कि जो NSA का जो पैरेलल टॉक्स हुआ उसने कहीं ना कहीं INT की जो रेलिवेंस थी उसको कम कर दिया। जो कंट्रोवर्सी है वो हमारे सामने आई कि इट वाज अ ओवर नॉन ट्रांसपेरेंट एंड ओपन एंडेड ऑफसेट अरेंजमेंट एंड चॉइस ऑफ रिलायंस ग्रुप एज द सोल्स ओनली पब्लिसिटी नोन ऑफसेट पार्टनर। तो यहाँ पर ये सारी की सारी चीज़ें फिर से घूम फिर के सामने आई हैं। बट जो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने जो फैसला लिया था वो पहली बारी हम लोगों को सुनने को मिला है। नाउ ये जो सारी की सारी चीज़ें हैं, फाइनल रिव्यू एंड अप्रूवल, वो मैंने आपको पढ़ा दी कि किस तरीके से क्या क्या चीज़ें आगे बढ़ी और क्या क्या चीज़ें कैंसिल हुई। यहाँ पे बात करते हैं कि डिफेंस ऑफसेट के बारे में जिसका बार बार जिक्र आ रहा है वो आपके लिए एग्जाम रेलिवेंट हो जाता है। नाउ व्हाट इज दिस डिफेंस ऑफसेट, ये क्या होता है, इस शब्द का इस्तेमाल कैसे किया जाता है? बेसिकली ये कंपेंसेशन होता है। इन सिंपल सेंस,
कोई जो फॉरेन डिफेंस इक्विपमेंट सेलर है, हम उससे अगर चीज़ें खरीद रहे हैं, परचेज कर रहे हैं कुछ मिलिट्री इक्विपमेंट को, तो हम जो उसे पैसे देते हैं, हम उन्हें कहते हैं कि आप इनमें से कुछ पर्टिकुलर अमाउंट, कुछ पर्टिकुलर परसेंटेज हमारे देश में फिर से इन्वेस्ट करोगे, जिससे एक कॉम्पिटिटिव एंटरप्राइजेस डेवलप हो हमारे देश में, रिसर्च डेवलपमेंट और डिज़ाइन वाली जो सेक्टर है उसमें एक चीज़ें आए, एनकरेजमेंट आ सके हमारे देश के इंटरनल सिक्योरिटी और सिविल एरोस्पेस के अंदर। और इंडिया के अंदर यह है कि जो ऑफसेट पॉलिसी इट इज़ एप्लीकेबल फॉर कॉन्ट्रैक्ट्स वर्थ मोर देन 2000 करोड़, जिसको यहाँ पर मिस किया गया राफेल डील के अंदर। ओके, सो दीज वर दी पर्टिकुलर थिंग। अब यहाँ पर आपके साथ एक और चीज डिस्कशन में ले लेता हूँ, वो है अबाउट कि यहाँ पर हम लोग समझते हैं डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के बारे में, डीएसी के बारे में यहाँ पे कुछ बातें करते हैं कि डीएसी कैसे यहाँ पे वर्क करती है और डीएसी में क्या क्या इंपॉर्टेंस है। नाउ डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल को जो हेड करते हैं वो करते हैं यूनियन मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, और इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, मेन मकसद ये था कि फेयर डिफेंस प्रोक्योरमेंट की प्लानिंग हो सके, जो डिफेंस की चीज़ें जो हम लोग प्रोक्योर करते हैं बाहर के देशों से उनकी प्लानिंग अच्छे से हो, इसलिए हमने डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल का गठन किया था। द काउंसिल एम्स टू एंश्योर एक्सपेडिशियस प्रोक्योरमेंट ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ द आर्म फोर्सेज, उन सब चीज़ों को एनालाइज करती है। डीएससी के अगर हम लोग यहाँ पे फंक्शन के बारे में बात करें कि क्या क्या काम होता है डीएससी का, तो पहला काम होता है प्रिंसिपल अप्रूवल अथॉरिटी फॉर 15 ईयर लॉन्ग टर्म्स इंटीग्रेटेड प्रोस्पेक्टिव प्लान फॉर डिफेंस फोर्सेस। अगर 15 साल का यहाँ पे लंबा टर्म ऑर्डर होता है तो उसको यहाँ पर अप्रूवल देने का काम भी डीएसी करती है। दूसरा इंपॉर्टेंट काम है कैटेगराइज करती है ऑफ द एक्विजिशन प्रपोजल रिलेटिंग टू बाय, बाय एंड मेक और मेक, कि किस पर्टिकुलर प्रोसीजर से यहाँ पर हो रहा है, हम लोग खरीद रहे हैं, यहाँ पे और उसका कुछ पोर्शन हमारे देश में बनाएंगे, या हम लोग यहाँ पर टेक्नोलॉजी ले रहे हैं और हमारे देश में प्रोड्यूस करेंगे, किस पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर वो आएगा, उनको यहाँ पे कैटेगराइज करने का काम डीएससी करती है। साथ ही यहाँ पे जो इश्यू होते हैं सिंगल वेंडर क्लियरेंस के, उनको एड्रेस करने की कोशिश करती है। यहाँ पर जो डिसीजन होते हैं ऑफ द ऑफसेट प्रोविजन इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्विजिशन प्रपोजल ऑफ ओवर 300 करोड़ रुपीज़, 300 करोड़ रुपए से ज़्यादा के जो यहाँ पे डिसीजंस होते हैं इन द ऑफसेट प्रोविजन, उनका यहाँ पे देखती है। साथ ही जो फील्ड ट्रायल होता है उसका इवेल्युएशन करती है, और बाय एंड मेक कैटेगरी के अंदर जो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी होती है वो किस तरीके से हो, वो भी डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल हम लोगों के लिए सामने रखती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के बारे में आप लोगों के लिए। आगे बढ़ते हैं, आगे आपको पेज नंबर 1 पे एक और खबर देखने को मिलती है, दैट इज अबाउट सुप्रीम कोर्ट इंक्रीजेस वीवीपैट वेरिफिकेशन। अपोजिशन पार्टी यहां पर सुप्रीम कोर्ट के पास ये कहने के लिए पहुंची थी कि 50% ईवीएम और वीवीपैट का इस्तेमाल होना जरूरी होना चाहिए। इस पर्टिकुलर किस्से में सुप्रीम कोर्ट ने भी यही बोला था, बट यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ने अपने एफिडेविट के अंदर ये कह दिया था कि अगर हम लोग 50% ईवीएम और वीवीपैट को वेरीफाई करते हैं तो 6 डेज यहाँ पर एक्स्ट्रा लगेंगे। इन स्पेसिफाई करूँ तो यहाँ पे 5.2 डेज एक्स्ट्रा लगाने का फैसला किया था। अपोजिशन पार्टी ने इसी के ही रिस्पेक्ट में काउंटर करते हुए बोला कि आप लोग अगर हर पोलिंग स्टेशन पे एक पर्सन को एक्स्ट्रा रिक्रूट करते हो तो ये जो 6 दिन है इसका समय घट के 3 दिन यहाँ पर हो सकता है। बेसिकली सब लोग चाहते हैं कि जो इलेक्शन हो वो फेयर एंड फ्री हो, और जो सवाल यहाँ पे ईवीएम मशीन्स के ऊपर उठ रहे हैं वो यहाँ पे हमें सॉल्व होते हुए नजर आए। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे एक बड़े डिसीजन में जो वीवीपैट का वेरिफिकेशन है उसको बढ़ा दिया है। पहले क्या था, पहले ये था कि एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर सिर्फ एक यहाँ पर जो पोलिंग स्टेशन होगा उसके अंदर यहाँ पे रैंडमली वेरीफाई किए जाएंगे, बट यहाँ पर बोल दिया गया है सुप्रीम कोर्ट द्वारा कि वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल वेरिफिकेशन टू 5 रैंडम ईवीएम मशीन्स इन ईच असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी, कि 5 रैंडम ईवीएम मशीन्स का यहाँ पर वेरीफिकेशन होगा। सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर था इट वुड बी इम्प्लीमेंटेड इन द लोकसभा इलेक्शन जो कि April 11 से होने चालू हो जाएंगे, और ये एक बहुत ही बड़ा डिसीजन है। जिस बेंच को यहाँ पे लीड किया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई जी ने, उन्होंने इंक्रीज करी है यहाँ पे नंबर ऑफ ईवीएम वीवीपैट सब्जेक्टेड टू द फिजिकल वेरिफिकेशन इन ऑर्डर टू एंश्योर द ग्रेटर डिग्री ऑफ एक्यूरेसी सेटिस्फैक्शन इन आर इलेक्शन प्रोसेस। इससे पहले यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की गाइडलाइन 16.6 के अंदर बोला गया कि ओनली दी वीवीपैट स्लिप्स फ्रॉम 1 ईवीएम, सिर्फ एक ईवीएम यहाँ पर वेरीफाई की जाएगी इन ईच
असेंबली सेगमेंट या ईच असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी, और वो भी रैंडम सेलेक्शन की मदद से होगी। तो अपेक्स कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि इससे इलेक्शन यहाँ पे फुल प्रूफ होंगे और ग्रेटर सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड हो सकेगी यहाँ पर जो लोग हारने वाले हैं। ओके, जो लोग हारते हैं वो यहाँ पर क्लेम करते हैं कि ईवीएम में कुछ गड़बड़ थी या बाकी सारी चीज़ें थी, तो यहाँ पर उनको भी थोड़ी सेटिस्फेक्शन हो जाएगी। ओके, हमें नहीं पता कौन जीते या कौन हारेगा, बट जो भी यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर सवाल खड़े करते हैं, ईवीएम के ऊपर सवाल खड़े करते हैं, उनको रिजॉल्व करने के लिए सुप्रीम कोर्ट एक बड़े फैसले पर आई है। आगे बढ़ते हैं, पेज नंबर 1 पे आपको एक और खबर मिलती है, इंडियन एयर फोर्स प्रेजेंट्स प्रूफ टू शो F-16 वाज शॉट डाउन। देखो हुआ क्या है, यहाँ पे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फॉरेन जनरल ने रिपोर्ट निकाली कि यूएस के 2 ऑफिशियल्स पाकिस्तान के अंदर गए, उन्होंने पाकिस्तान के F-16 की काउंटिंग करी और उन्हें नज़र आया कि सारे के सारे F-16 वहाँ पर खड़े हुए थे। यहाँ पे एक चीज़ को वो बताना भूल गए, इस वाली जो विजिट से पहले यूएस के ऑफिशियल ने पहले भी विजिट किया था, उसके अंदर 3 पाकिस्तान के जो यहाँ पे एयरक्राफ्ट थे वो मिसिंग थे। उस समय उन्होंने बोला था कि वो सर्विसिंग पे गए हुए हैं। इंडिया क्लेम कर रहा है कि हम लोगों के पास वो सारे के सारे प्रूफ्स हैं जो हम लोग शोकेस कर सकते हैं कि पाकिस्तान ने F-16 का इस्तेमाल किया। हमारे पास 2 रडार इमेजेस भी हैं जिनको हम लोगों ने पेश किया है कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने F-16 का इस्तेमाल किया और हमारे विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान जी ने अपने MiG-21 की मदद से उस F-16 को यहां पर गिरा दिया। यहाँ पर कहना है एयर वाइस मार्शल RGK कपूर जी का कि हमारे पास और भी बहुत सारे सबूत हैं, अगर US और यहाँ पे पाकिस्तान मांगेंगे तो हम उन्हें वो वाले सबूत भी दे सकते हैं। यहाँ पे जो हम लोगों ने इमेजेस गैदर करी हैं वो हमारे एयरबोन वार्निंग कंट्रोल सिस्टम की मदद से करी हैं, जिसने यहाँ पे ट्रैक किया PAF के जेट्स को और यहाँ पे एक जेट्स कॉम्बैट करता हुआ गिरता हुआ भी हम लोगों के पास नज़र आया। साथ ही एनालाइज किया गया इलेक्ट्रॉनिक एमिशन को, जिसने शोकेस किया कि एयरक्राफ्ट पिक्ड अप बाय द इलिंट इंटरसेप्ट फ्रॉम AWACS और रेडियो ट्रांसक्रिप्ट भी है हमारे पास इस पर्टिकुलर F-16 के बारे में। और यहां पे विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान जी ने अभी सबके सामने आके तो ये बात नहीं कही है, बट इंडियन एयरफोर्स का ये कहना है कि उन्होंने वर्धमान जी से बात करी है। उनका ये कहना है कि यस, उन्होंने यहां पे लॉक किया था अपनी मिसाइल द्वारा F-16 को और F-16 को मार भी गिराया था। ओके, तो जो सवाल खड़े हो रहे हैं उनको इंडिया अपनी तरफ से रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहा है कि यहाँ पर यूएस और पाकिस्तान चीज़ों को यहाँ पे मोल्ड करने की कोशिश ना करें। आगे बढ़ते हैं, पेज नंबर 7 खबर मिलती है, आर्मी गेट्स धनुष आर्टिलरी गन्स। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिलरी गन है हमारी धनुष। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड ने यहाँ पे हैंड किया फर्स्ट बैच ऑफ 6 धनुष आर्टिलरी गन टू द आर्मी। धनुष एक इंडिजीनियसली अपग्रेडेड वर्जन है स्वीडिश बोफोर्स गन का, जिसको 1980s के अंदर यहाँ पर प्रक्योर किया गया था। तो उस समय तो हम लोगों ने स्वीडन से किया था बोफोर्स गन, ओके, पर अब हम लोगों ने इसी का ही एक अपग्रेडेड वर्जन, एडवांस वर्जन इंडिजीनियसली प्रिपेयर कर लिया है। इसके अंदर इंडिजीनाइजेशन इस एक्सटेंट तक है, अबाउट 81% यहाँ पे इंडिजीनियस चीज़ें हैं, इसको हम लोगों ने अचीव कर लाया है। बोल दिया गया है कि बाय द एंड ऑफ 2019 जो इंडिजीनियनाइजेशन है इन गन्स के अंदर यहाँ पर, वो 91% तक हम लोग यहाँ पर अचीव कर लेंगे। जो पहला धनुष रेजिमेंट है विद 18 गन्स इज एक्सपेक्टेड टू बी रेडी बाय द एंड ऑफ द नेक्स्ट ईयर। धनुष के बारे में कुछ बातें, धनुष इज अपग्रेडेड वर्जन ऑफ स्वीडिश 155mm बोफोर्स हॉविट्ज़र विच इंडिया प्रक्योर्ड इन द मिड 1980s बेस्ड ऑन द ओरिजिनल डिजाइन। इसको हम लोग यहाँ पर जनरली देसी बोफोर्स के नाम से भी जानते हैं। ये 155mm टू 45mm कैलिबर आर्टिलरी गन है। इट हैज बीन डेवलप्ड बाय द ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड कैलकाटा बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ इंडियन आर्मी और मैन्युफैक्चर किया है बाय द जबलपुर बेस्ड गन कैरिएज फैक्ट्री। इसके आर्मामेंट सिस्टम के अंदर हम लोग बात करें, इसके अंदर बैरल है, मजल ब्रेक है, ब्रीच मैकेनिज्म है और रिकॉइल मैकेनिज्म भी इसके अंदर लगा हुआ है। ये बहुत ज्यादा एक्यूरेट है और बहुत ज्यादा प्रिसीजन के साथ भी वर्क करती है। कारगिल वॉर के अंदर स्वीडिश की बोफोर्स ने बहुत ही ज्यादा मदद करी थी हम लोगों की। इसी तरीके से धनुष भी बहुत ही ज्यादा एडवांस है, इसके पास नाइट फायरिंग कैपेबिलिटी भी है इन अ डायरेक्ट फायर मोड, हाई मोबिलिटी है, ऑल इलेक्ट्रिक ड्राइव है, क्विक डिप्लॉयमेंट है, ऑक्सिलरी पावर है, इसके अंदर 6 राउंड मैगजीन्स है इंस्टेड ऑफ स्टैंडर्ड 3 राउंड मैगजीन्स। और यहाँ पे अगर वजन की बात करें तो वजन यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा है नॉर्मल से, क्योंकि चैम्बर यहाँ पे हमें पहले से बड़े होते हुए नजर आए हैं। यहाँ पे धनुष की जो तस्वीर है वो भी आप देख सकते हो कि किस तरीके से धनुष के ऊपर हमारे जवान हैं और इसकी मदद से हम लोग किस तरीके से दुश्मनों का सामना कर पाएंगे। ओके, और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनको मैंने पिक्चर्स में आप लोगों के लिए रख दिया है।
पॉज करके देख लेना या पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, नीचे आपको लिंक मिल जाएगा मेरे ग्रुप का और टेलीग्राम चैनल का। पेज नंबर 7 आपको खबर मिलती है आईआईटी मद्रास टॉप्स सेंटर्स हायर एजुकेशन रैंकिंग। यहाँ पे बात हो रही है एनआईआरएफ की रैंकिंग के बारे में, नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क के बारे में, जिस रैंकिंग को हम लोग एनुअली पब्लिश कर रहे हैं 2016 से। मल्टीपल पैरामीटर्स पे हम लोग मेजर करते हैं, टीचिंग, लर्निंग रिसोर्सेज, रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस, ग्रेजुएशन आउटकम, आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी कैसी है, परसेप्शन कैसा है पब्लिक का उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट के बारे में, अकेडमिक्स में कैसे परफॉर्मेंस चल रही है, एम्प्लॉयर्स क्या कहते हैं। ओवरऑल 3127 इंस्टीट्यूट्स ने यहां पे अप्लाई किया था डिफरेंट कैटेगरी के अंदर एनआईआरएफ में, और यहां पे आईआईटी मद्रास ने टॉप किया है इस पर्टिकुलर रैंकिंग के अंदर। 7 आईआईटीज हैं यहां पर टॉप 10 की लिस्ट में, और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी और दिल्ली यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो कि वाराणसी के अंदर है, उन्होंने यहाँ पर बाकी जो 3 प्लेसेस हैं वो हासिल करी हैं टॉप 10 के अंदर। यहाँ पे आप टॉप 5 की कैटेगरी देख सकते हो। ओवरऑल में यहाँ पे आईआईटी मद्रास ने टॉप किया है, यूनिवर्सिटी में आईआईएससी बैंगलोर ने, इंजीनियरिंग में आईआईटी मद्रास ने, मेडिकल में एम्स दिल्ली ने, मैनेजमेंट में आईआईएम बॉम्बे ने, और यहाँ पे कॉलेजेस में मिरांडा हाउस दिल्ली ने टॉप किया है। आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 7, एक और खबर, सुप्रीम कोर्ट, व्हाई शुड गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैड टेम्पल्स। एक बहुत ही वैलिड क्वेश्चन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा। जस्टिस एस ए बोबडे ने यहाँ पे वंडर करते हुए, सोच विचार करते हुए पूछा कि व्हाई गवर्नमेंट ऑफिशियल्स शुड बी इन चार्ज ऑफ मैनेजिंग टेम्पल्स इन अ सेक्युलर कंट्री। एक सेक्युलर देश के अंदर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स यहाँ पर टेम्पल्स को क्यों मैनेज करते हैं। ओरल ऑब्जर्वेशन आया था यहाँ पे ऑन द बैकड्रॉप ऑफ एलिगेशंस रेज दैट डिवोटीज वर सब्जेक्ट टू हरासमेंट एट द हैंड ऑफ स्टाफर्स एट द जगन्नाथ टेम्पल इन पुरी। कि जगन्नाथ टेम्पल के अंदर जो यहाँ पर डिवोटीज हैं उनको हरासमेंट का सामना करना पड़ता है, उसके खिलाफ यहाँ पे कुछ डिसीजन हो रहा था। तो यहाँ पर इसी के अंदर जस्टिस बोबडे ने पूछा है कि क्यों सरकारी आदमी, क्यों गवर्नमेंट ऑफिशियल्स यहाँ पे टेम्पल को मैनेज करते हैं। दिस आइडल्स अपार्ट फ्रॉम द रिलीजियस सेंटिमेंट्स आर प्राइजलेस। और यहाँ पर इन सब चीज़ों के ऊपर हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। पेज नंबर 9, आज आपको पोल कॉल में मिलता है पार्टी सिंबल के बारे में। ये पार्टी सिंबल इलेक्शन के लिए भी इंपॉर्टेंट है, आपके पॉलिटी का भी पार्ट है। नाउ एवरी पॉलिटिकल पार्टी इन इंडिया हैज़ अ सिंबल। हर पॉलिटिकल पार्टी का एक सिंबल होता है जो कि वोटर्स को यहाँ पे आसानी देता है कि हम लोग आसानी से आइडेंटिफाई कर सकें कि हम लोगों को किसको यहाँ पे वोट करना है। जैसे बीजेपी का सिंबल यहाँ पे लोटस है, कांग्रेस का सिंबल यहाँ पे हाथ है। तो पार्टी सिंबल आर स्पेशली इंपॉर्टेंट टू एड वोटर्स हु कैन नॉट रीड। जो वोटर्स रीड नहीं कर सकते उनको एड करने के लिए पार्टी सिंपल बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। पर यहां पे जो कैंडिडेट्स होता है दे आल्सो गो टू ग्रेट लेंथ टू बी आइडेंटिफाइड विद देयर इलेक्शन सिंबल्स। जो इलेक्शन कमीशन होता है वो स्टिपुलेट करता है कि यहां पर कोई भी इलेक्शन सिंबल यहां पर रिप्रेजेंट ना करे किसी भी रिलीजन को या किसी भी कास्ट को। ए पार्टी कैन सबमिट अ सिंबल ऑफ इट्स चॉइस टू द इलेक्शन कमीशन फॉर कंसिडरेशन, एल्स द इलेक्शन कमीशन अलॉट्स अ सिंबल टू द पार्टी। अगर यहाँ पर कोई पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन कमीशन को ये नहीं कहती है कि ये हमारा सिंबल होना चाहिए तो इलेक्शन कमीशन खुद भी सिंबल अलॉट कर सकती है। दो एलिफेंट इज द सिंबल ऑफ बीएसपी एंड द लायन इज द सिंबल ऑफ फॉरवर्ड ब्लॉक, इलेक्शन कमीशन इन 1991 स्टॉप्ड अलाउइंग पार्टीज टू यूज एनिमल्स एज सिंबल आफ्टर कंप्लेंट्स फ्रॉम एनिमल राइट एक्टिविस्ट। आगे बढ़ते हैं एक और खबर पेज नंबर 10 पे, सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूजेस टू स्टे द रिलीज ऑफ मोदी बायोपिक। नरेंद्र मोदी जी के ऊपर जो यहाँ पर पिक्चर बनी है, बड़ा सवाल यह है कि वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को वायलेट करती है या नहीं, और क्या वो यहाँ पर वोटर को इन्फ्लुएंस करने में कामयाब होगी। यहाँ पे बेंच बैठी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई जी की, उनका ये कहना है कि कोर्ट यहाँ पर कोई भी ऐसा स्टेप नहीं ले सकती इस पर्टिकुलर पिक्चर को यहाँ पर बैन करने के लिए या पिक्चर की जो रिलीज डेट है उसे आगे बढ़ाने के लिए, जब तक हम लोग इस चीज़ में क्लियर नहीं होंगे कि ये पिक्चर क्या डिपिक्ट करना चाहती है, क्या बताना चाहती है। और वो तभी होगा जब यह पिक्चर रिलीज होगी। यहाँ पे कोर्ट ने ये भी पूछा कांग्रेस पार्टी इसके एक्टिविस्ट से कि यहाँ पर आप किस बेसिस पे कह रहे हो कि ये पिक्चर इन्फ्लुएंस करेगी जब आपने भी इस पिक्चर को नहीं देखा है। यही बोला गया कि वी फेल टू सी हाउ सच अ डायरेक्शन कैन बी पास्ड बाय दिस पर्टिकुलर कोर्ट। और यहाँ पर
जो पिक्चर है शायद वो हमें रिलीज होती हुई नजर आए 11th ऑफ अप्रैल को। पेज नंबर 14, जिस चीज का जिक्र मैं आपके साथ कल भी कर रहा था कि यूएस डेजिग्नेट कर सकता है ईरान की एलीट मिलिट्री यूनिट को एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। फाइनली प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने मंडे को अनाउंस किया कि यूएस डेजिग्नेट कर रहा है ईरान की एलीट मिलिट्री फोर्स को द इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड ट्रॉप्स को एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने स्टेटमेंट में यह भी बोला कि एक अनप्रेसिडेंटेड मूव है जिसमें रिकॉग्नाइज किया जा रहा है ईरान की रियलिटी को कि यहाँ पर ये स्टेट स्पॉन्सर करते हैं टेररिज्म को, बट द IRGC ऑल्सो पार्टिसिपेट्स इन फिनेंसिस और यहाँ पर टेररिज्म को प्रमोट भी करते हैं। The IRGC was formed after the 1979 revolution with a mission to defend the cleric regime. और यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने जब यह स्टेटमेंट दी उसके बाद ईरान की तरफ से भी यहाँ पर न्यूज़ आई कि ईरान सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने डिक्लेयर कर दिया यूएस को एज अ स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म और यूएस फोर्स को यहाँ पर टेररिस्ट ग्रुप के रूप में रिकॉग्नाइज कर दिया गया है। इट ऑल्सो स्लैम्ड वॉशिंगटन्स मूव एज इलीगल एंड अ फुलिश एक्ट। आगे बढ़ते हैं एक और खबर, पेज नंबर 14 पे आपको मिलती है, इकोनॉमी वाला सेक्शन है। यहाँ पर इंडिया की जो GDP है उसकी ग्रोथ एक्सपेक्टेशन अगर हम लोग देखें वो मॉडरेटली हमें एक्सेलरेट होती हुई नजर आएगी तो 7.5% इन फिस्कल ईयर 2019-20। और मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें रहेंगी हमारी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेंथ, पर्टिकुलरली जो प्राइवेट सेक्टर के अंदर हो रही है, एक्सपोर्ट परफॉर्मेंसेज अच्छी होने वाली हैं और कंजम्पशन भी हमारा बेटर होगा, ऐसा कहना है वर्ल्ड बैंक का। जो रियल GDP ग्रोथ है वो 7.2% रहेगी 2018-19 के अंदर। वर्ल्ड बैंक ने इस चीज़ को बोला है अपनी लेटेस्ट रिपोर्ट ऑन साउथ एशिया के लिए अहेड ऑफ स्प्रिंग मीटिंग ऑफ द वर्ल्ड बैंक। जो डेटा था फॉर द फर्स्ट 3 quarters वो सजेस्ट करता है कि जो ग्रोथ है वो यहाँ पे थोड़ी ब्रॉड बेस्ड रही है। इंडस्ट्रियल ग्रोथ यहाँ पे 7.9% रही है, मेकिंग अप फॉर डेक्सलरेशन इन द सर्विसेज। एग्रीकल्चर ग्रोथ की बात करें तो वो 4% रही और इन्फ्लेशन डायनेमिक्स यहाँ पे सबड्यू हुए ओवर द मोस्ट ऑफ FY 2019। आज की न्यूज़पेपर में इतनी खबरें थी, आजकल थोड़ी कम न्यूज़ आ रही हैं, इलेक्शन का सीजन चल रहा है, ये एक बहुत बड़ा कारण है। तो आज की न्यूज़पेपर में इतनी खबरें थी, कैसा लगा आप लोगों को लाइक का बटन दबाकर मुझे बता सकते हो। वीडियो को ये एंड करते हैं, सो लव एंड पीस फ्रॉम माय साइड, थैंक यू फॉर हैविंग मी हेयर गाइस एंड हैव अ गुड डे अहेड।